हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये पटना में जो अभी जॉब्स आया हुआ है जिसमें 18,000 रुपये सैलरी है, पटना बिहार में जॉब्स है, इसके लिए आप पूरा डिटेल्स अच्छे से समझेंगे। मैं ये आपसे कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। अब एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी 5वीं पास 8वीं पास 10वीं पास है, जिसको हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने आता है, थंबनेल से देखे कि पटना में नौकरी आ गया 18,000 सैलरी, वो कॉल करके परेशान करने लगते हैं। पहले आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करो कि क्या इस जॉब के लिए आप एलिजिबल भी हो या फिर नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करें, आपको 100% काम मिलेगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल है ही नहीं तो किस बेसिस पे आप कम्युनिकेट कर रहे, किस बेसिस पे आप कॉल कर रहे, ये भी तो समझने वाला बात है ना। तो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लोग इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझे, उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जॉब्स जो हैं ये टोटली फ्री है और इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देने। पटना बिहार में जॉब से मानता हूँ कि 18,000 सैलरी है, लेकिन 18,000 किस बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड कंपनी कर रही है, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। तो 18,000 यहाँ पे सैलरी मिलेगा, लेकिन किस बेसिस पे? अर्जेंट रिक्वायर्ड फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी कंपनी है, पोस्ट है वैन डिलीवरी बॉय, यानी कि यहाँ पे जो वर्क का प्रोफाइल होने वाला है वैन डिलीवरी बॉय का होने वाला है। अब वैन डिलीवरी बॉय का काम है कम ड्राइवर, यानी कि वैन डिलीवरी के साथ साथ ड्राइविंग भी आपको ही करना है, ये कोई तीसरा व्यक्ति आके ड्राइविंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। वैन डिलीवरी के साथ साथ ड्राइविंग का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, चार चक्के चलाने आने चाहिए, या फिर जो थ्री व्हीलर होता है ऑटो ई रिक्शा वो चलाने आना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। बैंक जो लोकेशन है पटना में लोकेशन है, ड्राइवर का जो सैलरी रहेगा वैन डिलीवरी के साथ साथ, उसको ड्राइविंग का नॉलेज मस्त इम्पोर्टेंट है, अगर होगा तो मेक श्योर डेफिनेटली एलिजिबल होगा। तो उसका सैलरी बनेगा 18,000 इन हैंड प्लस पीए प्लस ईएसआईसी प्लस बोनस। इन हैंड सैलरी 18,000 मिलेगा 9 घंटे काम का, लेकिन साथ ही साथ ड्राइविंग भी करना होगा और सामान की डिलीवरी भी करनी होगी, ये दोनों काम आपको खुद से मैनेजमेंट करना होगा, तभी 18,000 रुपये इन हैंड सैलरी 9 घंटे और 26 दिन का मिलेगा। शिफ्टिंग ड्यूटी है सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक। सिर्फ मेल कैंडिडेट का हायरिंग है, यानी कि इसमें सिर्फ लड़के चलेंगे, लड़कियाँ का यहाँ पर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। बाइक और लाइसेंस रिक्वायरिंग किया गया है, क्वालिफिकेशंस में है मिनिमम 10th पास रिक्वायर्ड है, यानी कि 10वीं पास कम से कम होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास तो होना चाहिए, और बेसिकली ये 10th पास बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। एज लिमिट 18 से 35 साल है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस नहीं है, परमानेंट पोजीशंस है, लेकिन ड्राइविंग आना चाहिए। मैं इस चीज़ों को बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ, ड्राइविंग नहीं आता है, हेलो मैडम मैंने एडवर्टीजमेंट देखा है, डॉली मैम को कॉल करेंगे और बोलेंगे हेलो मैडम मैंने एडवर्टीजमेंट देखा है, मुझे जॉब चाहिए, प्लीज़ बताइए। कैसे होगा भाई, जॉब कैसे मिलेगा? आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं, बातों को तो समझना पड़ेगा ना। यहाँ पे ड्राइविंग मस्ट इम्पोर्टेंट है, इमीडिएटली ज्वाइनिंग प्रोसेस है, कोई चार्ज नहीं है, फीस नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल राइट मैंने डॉली मैम का नंबर दिया है, आप लोग डॉली मैम को बात कर सकते हो, डॉली मैम से बात करके जॉब्स ले सकते हो। ये जॉब्स टोटली फ्री है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है, इस चीज़ों से निश्चिंत रहे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।